नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं दो फ्लेवर वाली कोल्ड कॉफ़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, और इसे पीना छोटे बड़ों सभी को पसंद है, और इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बाजार जैसी कॉफ़ी हम घर में कैसे बनाएं, आज मैं आपको बताऊँगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कांच के दो गिलास लेंगे, उसको हम चॉकलेट सिरप से डेकोरेट कर देंगे। चॉकलेट सिरप बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो गिलास को डेकोरेट करना तो आप कीजिए, वरना ना कीजिए। डेकोरेट करने से जब हम इसके अंदर ठंडी ठंडी कॉफ़ी डालते हैं तो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। जब हम सर्व करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी दिखती है। फ्रेंड्स, अगर आप गिलासों को डेकोरेट कर रहे हो तो आप कॉफ़ी बनाने से 10 मिनट पहले गिलासों को डेकोरेट कर आप फ्रीज़र में रख दें, ताकि इनकी चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और हम जब इनके अंदर ठंडी ठंडी कॉफ़ी डालें तो ये दिखने में सुंदर लगे। मैंने तले पे भी थोड़ी सी चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब हम इनको फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। मैंने 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून, और इसको घोल लेंगे अच्छे से। कॉफ़ी पाउडर को हमें अच्छे से घोलना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है। मैंने ठंडा दूध लिया है, दूध को उबाल के मैंने फ्रीज में रख दिया था, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। दूध को हम जग के अंदर डाल देंगे। कॉफ़ी बनाने के लिए आप कोई भी खुले मुंह वाला बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप मिक्सी में भी बना सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से बनाऊँगी। कॉफ़ी को क्रीमी टेस्ट देने के लिए मैंने 2 चम्मच मिलाई यूज़ करी है, दूध की मिलाई। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें क्रीमी टेस्ट चाहते हैं तो आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैं 5 चम्मच शुगर का यूज़ करूँगी। अब हम जो कॉफ़ी हमने घोल के रखी थी वो भी हम जग के अंदर डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, एकदम बाजार जैसी कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। 4 से 5 हम आइस क्यूब डाल देंगे, और अब हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसे मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करना है हमें जब तक कि इसके अच्छे से झाग नहीं बन जाते। ये 2 मिनट में हो जाता है फ्रेंड्स। ये 2 मिनट में बनने वाली कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, आप एक बार ज़रूर बनाकर पिए, आपको काफ़ी पसंद आएगी। आप देखिएगा कितने अच्छे झाग हो जाते हैं इस कॉफ़ी में, और ये बहुत ही आसान है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेंट लिया है, काफ़ी अच्छे झाग है, और अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारी क्रीमी क्रीमी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है ठंडी ठंडी पीने के लिए। अब हम ये झाग जो है कॉफ़ी के ऊपर डाल देंगे, और कॉफ़ी पाउडर से इसे डेकोरेट कर देंगे, जिसे दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। अब हम कॉफ़ी विद आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। कॉफ़ी हमने पहले बना ही ली है, इसके अंदर हम वनीला आइसक्रीम 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। इसका टेस्ट उस कॉफ़ी से काफ़ी अलग है। आप दोनों तरह की कॉफ़ी एक बार ज़रूर बना कर पिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मिक्स कर देंगे। देखिए, कॉफ़ी विद आइसक्रीम हमारी कोल्ड कॉफ़ी तैयार है, इसे हम सर्व करेंगे। बहुत ही क्रीमी क्रीमी सी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दिख रही है, और ये पीने में भी उतनी ही टेस्टी है। अब हम इसके अंदर झाग डाल देंगे। और ये आइसक्रीम डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने वनीला आइसक्रीम का डाला है। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करें।
वनीला आइसक्रीम अगर आप ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो 10 रुपये में बहुत ही आसानी से बाज़ार में इसका कप मिल जाता है। वो कप भी आप कॉफ़ी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रही है और मैंने चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट किया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चोको चिप्स लगा देंगे जिससे ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। देखिए फ्रेंड्स हमारी 2 फ्लेवर वाली कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है पीने के लिए। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।